डॉक्टर रघुवीर कादियान। थैंक यू स्पीकर सर। स्पीकर सर, जैसा हम जानते हैं संसदीय परंपरा और हम लोगों की जो मान्यताएं हैं उसके अनुसार गवर्नर साहब अपना एड्रेस जो है बजट सत्र के पहले दिन पढ़ते हैं, और अब जैसे चुनाव हुए हैं इसमें पहले दिन जो है वो गवर्नर साहब एड्रेस अभिभाषण अपना करते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि गवर्नर एड्रेस जो अभिभाषण है उसको ऑफिसर साहिबान लिखते हैं और कैबिनेट द्वारा अप्रूव होके और गवर्नर साहब उसको सदन के पटल पर पढ़ते हैं। इसमें गवर्नर एड्रेस एक मामूली डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सरकार का विजनरी डॉक्यूमेंट है। सरकार गवर्नर एड्रेस में दर्शाती है कि प्रदेश की क्या दशा है और प्रदेश को हम किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, लेकिन इसमें लगता है जी कि बहुत हड़बड़ाहट में बड़ी तेजी से इसको तैयार किया गया है, क्योंकि 15-16 डिपार्टमेंट के तो नाम ही इसमें वो महकमों के नाम ही नहीं है कि भाई उनके बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस बात पे मैं आना चाहता हूँ कि इसमें सिर्फ सरकार की प्रशंसा महिमा मंडप किया गया है, हालांकि होना ये चाहिए था कि कमियां भी दर्शानी चाहिए थी, उनको समाधान का रास्ता क्या है ये भी बताना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे कानून व्यवस्था की बात थी, महंगाई की बात थी, या प्रदेश जो है वो 4.5 लाख करोड़ कर्जे के नीचे जो दबा हुआ है उसके समाधान का, उसकी मैनेजमेंट का जो है इसमें कोई विजन ही दिखाया गया। तो स्पीकर सर, जैसे पूरा पेज इस बात पे है कि ऐतिहासिक और निर्णायक जनादेश मिला है, पेपर भी बड़े पड़े कि दिस मैंडेट रिफ्लेक्ट्स द ट्रस्ट ऑन द गवर्नमेंट। ये जो है ना जी, चुनाव से पहले पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में, दुनिया में, अमेरिका, कनाडा, ये बात थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। ये तो स्पीकर साहब भाई बोलने तो दो, ये तो मैं वही तो बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ ना स्पीकर साहब, ये डिस्टर्बेंस क्यों? स्पीकर साहब देखिए उनको अपनी देखिए, वो अपनी बात रख रहे हैं, उनको अपनी बात रखने दीजिए। ये तो स्पीकर साहब, उनको अपनी बात रखने दीजिए, आपको बोलने का समय मिलेगा, उस समय में आप अपनी बात। तो समय का फेर है, अगर सभी रनिंग कमेंट्री करेंगे तो हाउस नहीं चलेगा। समय का फेर है डॉक्टर साहब, आप अपनी बात रखिए। ये तो समय का फेर है मुख्यमंत्री जी, बिल्ली के बाघ का छीका टूट गया ना, तो आप इधर बैठते हम उधर बैठते, मामला दूसरा था। देखिए ये भी है सर, स्पीकर सर स्पीकर सर, हर बार आदरणीय सदस्य गण का यही भाषण होता है कि बिल्ली के बागो छिक्का टूट गया, हर बार यही बात होती है। मैं निवेदन ये कर रहा हूँ, अपनी बात रख, बिल्ली के बागो छिक्का तो इनका पाड़ा टूट गया, नहीं तो इस बार आपका होना था मंत्री जी, मंत्री जी आपका टूट गया। मेरा टाइम बैठिए, सभी देखिए, सभी को देखिए, सभी को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। मेरा अनुरोध सभी माननीय सदस्यों से, नहीं देखिए बीच में ऐसे नहीं बोलेंगे आप ऐसे बीच में नहीं बोलेंगे। सभी को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, जब आपकी बारी आए आप अपनी बात रखिए, और कोई भी सदस्य अपनी बात रखे तो बाकी सब उसको ध्यान से सुने। मेरा दोबारा आप सबसे निवेदन है, डॉक्टर साहब आप अपनी बात रखिए। मैं
आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूँ, ये हाउस चलना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, नहीं चलाना चाहते मंजूर, हमारे को एक भी को नहीं बोलने देंगे हम, ऐसे बोलोगे तो बीच में ये कोई तरीका थोड़ा बात हाउस की कुछ गरिमा नहीं चलना चाहते, नहीं तो आज मंजूर है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप अपनी बात रखिए, मेरे विषय स्पीकर साहब चलिए, कोई बीच में बोलने लग जाएगा। पेज नंबर 4 जो है गवर्नमेंट एड्रेस का, उस पे 13 पैराग्राफ में प्रति व्यक्ति आय का जिक्र किया गया है, बड़ी अच्छी बात है प्रति व्यक्ति आय बढ़ाई, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि जो 75 लाख लोग 2 साल में BPL से उसमें आ गई कैटेगरी में, तो वो लोग जो है वो हरियाणा के हैं या बाहर के, ये अपनी उसमें रिप्लाई में क्लियर करें इस बात का कि कौन लोग हैं, ये कहाँ से आ गए हैं, कोई वोट की राजनीति तो नहीं है, क्योंकि इससे पूरा प्रदेश जो है ना उसकी बदनामी हुई है कि 75 लाख लोग 2 साल में BPL के नीचे आ गए और फिर वाह वाही हो रही है, ये हो गया वो हो गया सारा। उसके साथ साथ DAP पर भी बात आई थी, इसमें कैटेगरी कर लीजिए जी, सरकार तो कह रही है कि DAP मिल रहा है, पूरी प्रेस पूरे TV चैनल्स सदन में ये डिस्कशन, पूरे मेंबर इस बात को कह रहे हैं कि भाई DAP की किल्लत है और मारामारी हो रही है, मंडियों में भी जो है वो बड़ी दुर्दशा हो रही है किसान की। तो ये क्लियर करें मुख्यमंत्री जी, अगर DAP की उपलब्धता है तो ये मारामारी क्यों है, या तो आपके पास CID की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि भाई ये मारामारी, SDM जो है वो दीवार पर खड़ा होकर सर DAP बंटवारा है, एक राम भगत जो है उचाणा मंडी का किसान आत्महत्या कर गया, तो ये उकलाना मंडी का ठीक है ठीक, तो इसमें वो हो गया ठीक है, उकलाना मंडी का एक किसान आत्महत्या कर रहा, तो ये एक मामूली बात नहीं है, क्यों क्या उस किस मेदी जी बैठ के क्या बैठ के, क्या बैठ के कोई भी सदस्य ऐसे रनिंग कमेंट्री में, वैसे तो उस किसान का नाम जो है ना जी, उस किसान का नाम ओबीसी रिफ्रेंस माना चाहिए था, उसको बेनिफिट्स देने चाहिए मुख्यमंत्री जी, क्योंकि उसके कि एक बच्चे को नौकरी दे या कोई जो भी लमसम में जो उसका वो। तीसरा मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ, क्योंकि किसान जो है ना जी वो किसी प्रदेश या देश की रीढ़ की हड्डी है, किसी प्रदेश या देश की खुशहाली का रास्ता किसान के खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री जी, स्पीकर साहब के माध्यम से, कि आपने अपनी नीति और सोच में बदलाव करना पड़ेगा, किसान के प्रति पॉजिटिव सोच रखनी पड़ेगी, जब किसान आगे बढ़ेगा, नहीं तो किसान की दुर्गति का कोई अंदाजा नहीं कहां तक चले जाएगी, कितना किस तरह के कितने खर्चे हैं, किस तरह से उसका वो जो है ना जी ठेके पर लेता है, दवाइयां नकली, बीज नकली, सारा सौदा, उसके क्या क्या हालात हैं, अगर पूरी रिपोर्ट आपके पास आ जाए जो 0 रिपोर्ट है, तो बड़ा दिल हिलाने वाली बात जो है वो किसान के साथ हो रही है। तो आप किसान के प्रति पॉजिटिव सोच रखिए और किसान को आगे बढ़ाइए, ताकि प्रदेश की खुशहाली का रास्ता निकल सके। तीसरा स्पीकर सर, रावी ब्यास का पानी का कहर कि इस पे करवाने के लिए प्रतिबंध, इस पे कुछ नहीं मतलब बात, जिस SYL के मुद्दे पर सरकारें आई चली गई, आंदोलन हुई, और आज जो हमारे हिस्से का भी पानी हमें नहीं मिल रहा है, तो जब 370 पॉसिबल है तो रावी ब्यास का पानी भी पॉसिबल है। आप 90 MLAs का डेपुटेशन ले जाइए राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री जी के पास, कि हमारी नहर खुदवाइए, हमारा किसान जो है वो लाइफ लाइन है पानी, तो वो जो है इस लाइन कोई रास्ता आप निकालें। दूसरा स्पीकर सर, आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी से ये जानना चाहूँगा कि एक जल समझौता हुआ है जी, MOU साइन हुआ है फरवरी के महीने में 2024 में,
राजस्थान गवर्नमेंट से, अथनीकुंड बराज से यमुना का जो शेर है वो देने की बात उसमें कही गई थी। अथनीकुंड बराज तो स्पीकर सर जब बना था तो हरियाणा की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना था। वहां पानी अथनीकुंड बराज से, अथनीकुंड बराज पर तो माइनिंग हुई है जी, 600 करोड़ की माइनिंग हुई है। डिपार्टमेंट आप ये, मैं विधानसभा के सत्र पर ये बात कहना चाहता हूँ, इलीगल माइनिंग हुई है और उस डैम को भी खतरा है। तो मेरा ये निवेदन है कि वो सदन को बताएं कि क्या MOU साइन हुआ है जी, कितना पानी जाएगा, कौन से रास्ते से जाएगा, किस तरह से जाएगा। इसके साथ स्पीकर सर बात आई, बहुत पूरा चुनाव इस बात के लिए लड़ा गया, पर प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी स्पीच में कहा और बड़ी वाहवाही इस बात के लिए लूटी जा रही है कि बिना फर्ची, बिना पर्ची, बिना खर्ची। मैंने सदन में एक मुद्दा उठाया था कि SPSC का एक डिप्टी सेक्टर का कोई प्रोविजन नहीं है, अपना आदमी डिप्टी सेक्टरी लगा के सेक्टरी की पावर दी गई थी और 2.5-3 करोड़ रुपए और उसमें कुछ ब्लैंक आंसर सीट जो है वो थी, वो पकड़ी गई, एंटी करप्शन ब्यूरो ने वो पकड़ी गई, अरेस्ट भी हुए। उसके बारे में मैंने पूछा था कि वो आंसर सीट किसकी थी। एक SPSC के अधिकारी और सरकार के उच्च अधिकारी के बीच में एक वार्तालाप हुई है, चैट हुआ है। उस चैट में ये बात आई है कि वो चैट यहां भी पड़ी गई थी। उस चैट की सच्चाई क्या है, उस चैट में ये बात आई थी कि किसके बढ़ाने नंबर, किससे कितना सामान लेना, कि सामान क्या था पता नहीं, उसकी डेफिनेशन क्या है। ये एक चैट जो है आई थी वो सदन की पटल पर रखी जाए, उसमें क्या सच्चाई है, तो पता चलेगा कि पर्ची खर्चे में, क्योंकि कमीशन के MLA के बच्चे जो है जी 10-10 लाख रुपए रिश्वत नौकरी के लिए मांगे, रिकॉर्ड ही वीडियोग्राफ, और चेयरमैनों के लड़के जो है वो 20-20-30-30 लाख रुपए मांगते हुए दिखाए गए, ये वीडियो वायरल हुई है। तो इस बात के लिए पर्ची खर्ची का जो बात है ना जी, वो हाई लेवल पर कितना जबरदस्त ये कांड हुआ है, इसको प्रदेश ही जानना चाहता है, सदन के ऑनरेबल मेंबर ये जानना चाहते हैं कि क्या कांड थे जी, कहाँ कितना पैसा था, किसके पास गया, कहाँ रखा है जी वो। तो इसमें क्योंकि ये सवाल है जी, आपने कहा कि 2 लाख, सब समय का जरूर ध्यान रखें, 2 लाख नौकरियां देंगे, आप कंक्लूड कीजिए, समय का 2 लाख नौकरियां देंगे। इसमें CMI की रिपोर्ट के हिसाब से ये जो डिस्टरबेंस है ना, ये मेरे मैं एक बार देखो, नहीं देखिए डिस्टरबेंस नहीं है, गलत बात को क्यों सुनेंगे, ठीक है आपने मान लिया गलत बोल रहे हैं, ठीक है डॉक्टर साहब, पार्लियामेंट या फेयर मिनिस्टर साहब जवाब देंगे। नहीं मैंने मैंने अलाव नहीं नहीं आप अपनी बात रखिए, संक्षिप्त में रखिए। तो अध्यक्ष जी ये कैसे कह सकते हैं गलत बात, हमने तो एक बार भी नहीं कहा गलत, हम जवाब देंगे आपको जो बोला है, गलत तो आप कह रहे हो हम कहेंगे, पर आप कह रहे हो ये विषय मुझे लगता है 2 साल पहले स्पीकर सर डॉक्टर नहीं करते, जब भी कोई गलत बात इतने मान सदन में बोली जाती है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसके बारे में उनको बताएं। ऐसा नहीं कि भाई ये झूठ बोलते जाएंगे, पूरी प्रदेश को गुमराह करते जाएंगे। एक आदमी का नाम बताओ कौन सा पर्ची खर्ची के लग गया, एक आदमी का नाम बताओ किसने खर्ची दे के लगा, एक एक आदमी बिना पर्ची बिना खर्ची इतनी ईमानदारी से लगा और उसका रिजल्ट निकल के आए ये, और ये लोग सदा झूठ बोलते रहे उसका नतीजा ये निकल के आके आदमी वहीं बैठे। ये जनता इतनी पागल नहीं रही है, सब ये पार्लियामेंट खड़े होकर कुछ भी कह ले और वो मान लेंगे उसका, ठीक इनकी कुछ भी कह नहीं है, उसका रिप्लाई हो आप पार्लियामेंट स्पीकर सर बताना चाहते हो, बिना तो कोई बात नहीं बोल रही अदर जी, अब साहब एक सीरियस एलिगेशन उन्होंने लगाया है और सरकार का मंत्री जवाब देना चाहते हैं, तो इतने सीरियस एलिगेशन आप से इजाजत करके मैंने अलाउ किया, नहीं झूठा कैसे बता दिया, अलाउ किया झूठा कैसे बता दिया, विड्रॉ करवाऊंगा मैंने अलाउ किया, अगर हमारे हमारा विधान पार्लियामेंट्री और वो विधायक जिनकी बात करें वो भी इन्होंने शामिल कर लिया, इन्होंने शामिल किया उसको, हमने तो नहीं किया ना,
हमने तो उसको टिकट भी नहीं दी ना, हमने चुनाव लड़ा। कंक्लूड कीजिए स्पीकर सर, स्पीकर सर एक तो पार्लियामेंट बीच में नहीं, बीच में नहीं, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर जो है ना जी, गंभीर विषय आया था उनको जवाब देना था। पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर नहीं है, एवरीबॉडी कान, ऐसे नहीं। डॉक्टर साहब आप कंक्लूड, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री वर्ड्स का यूज करना चाहिए, झूठ का शब्द जैसे इस्तेमाल किया है वो निकालना चाहिए। मैं यहाँ पिछले सदन में मैंने उठाया था जी, माननीय मुख्यमंत्री ने उठाया, हालांकि संविधान की शपथ ले रखी कि मैं सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से काम करूंगा। मनोहर लाल जी ने इसी जगह गीता निकाली अपनी जेब से और गीता के ऊपर हाथ रख के कहा कि कोई कितना ही बड़ा आदमी हो मैं बख्शूंगा नहीं। वो रिपोर्ट भी नहीं आई, कौन आदमी थे, किसको नहीं बख्शा गया, कौन छोड़ दिया गया, ये मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। जहाँ डांडा साहब भी वहाँ उपस्थित थे जब गीता की कसम खाई गई थी, गीता छोटी बात नहीं है। तो इसमें स्पीकर सर, भाई सुन ले यार, तो भाई साहब आप मंत्री, आपको जिस भी चीज का माननीय स्पीकर सर, हमारे सदस्यगण को जिस भी चीज का आंसर चाहिए वो आपको बोले लिखित में, सरकार उसका जवाब। आप जवाब मांग लीजिए, सरकार देगी ना, वो सरकार जवाब देगी, देगी जवाब। जो मैं बोल रहा हूँ ये लिखित नहीं है क्या, ये रिकॉर्ड में है, रिकॉर्ड में। इसमें स्पीकर साहब, डॉक्टर साहब प्लीज कंक्लूड। कानून व्यवस्था नाम की कोई इसमें कोई कहीं कोई बात नहीं लिखी गई। एनसीआरबी के रिकॉर्ड के हिसाब से हरियाणा नंबर वन इन क्राइम। आप देखो कि गोलियां चल रही हैं, फिरौतियां मांगी जा रही हैं, रेवाड़ी में जो है वो ज्वेलरी का शोरूम लूट लिया, एक इंस्पेक्टर की, पुलिस इंस्पेक्टर की कि डकैती हुई, उसकी मां को मार दिया। स्पीकर सर, मंत्री जो है यौन शोषण के मामले में पकड़े जा रहे हैं, उनके आरोप लग रहे हैं। एसपी और एसडीएम लेवल के आदमी जो है वो यौन शोषण के मामले में एलिगेशन लग रहे हैं। मैं आप बात सुनो, राज्यपाल जब बाढ़ खेत ने खाएगी तो इस प्रदेश का क्या हाल होगा। आप, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब उनको प्रोटेक्शन ना दे सरकार, और जो जो एक्शन है वो उनको पूरी तरह से जो है, क्योंकि मैनिपुलेशन हो रही है, मैनिपुलेशन हो रही है कि भाई इनकी एसीआर खराब थी, इनकी फलाना थी, धकड़ा खराब था, धकड़ा, तो ये जो है ना, इसकी जुडिशियस फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए। ये मेरा आपके माध्यम से निवेदन है। स्पीकर सर, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ अपने, चलो एक मिनट और दोगे आप। मैं अपने हल्के की हल्के में 2016 में मुख्यमंत्री जी जो है वो कॉलेज वोट के आए थे कि कॉलेज बनेगा गर्ल्स, 8 साल हो गए उसके ऊपर कोई अमल नहीं है, ना उसकी फाइनेंशियल अप्रूवल, ना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, ना कोई हिट लग। एक मेरे हल्के में डीगल गांव, पूरे सदन की जानकारी के लिए, पूरे हरियाणा में एक गांव एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, उनकी भी डिमांड है कि वहाँ कॉलेज होना चाहिए। मेरे हल्के में स्पीकर सर 49 गांव हैं, 52 पंचायतें हैं, तकरीबन 90% में पीने का पानी की समस्या है, और 90% में उनके गांव में पानी है, जैसे रोड है कोरा में जी, और 80% गांव में 50 एकड़ से लेकर 450 एकड़ तक की 10 साल से बिजाई नहीं होगी, और खेतों के रास्ते कच्चे पड़े हैं। और जितना मेरी आपसे निवेदन है कि जो एस्टीमेट गांव की पंचायतों के आए हुए हैं वो एस्टीमेट और वर्क जो है वो आप रिकमेंड करके भेज दो, और जितनी हरिजन चौपाले हैं जी, 90% हरिजन चौपाले, एक नई बात मैं बता रहा हूँ, वो बहुत दुर्दशा में, जिनकी रिपेयरिंग होनी चाहिए, रेनोवेशन हो या दोबारा बने, तो है जी अनुसूचित जाति, सॉरी ठीक अनुसूचित, ये गांधी जी का वर्ड था जी हरिजन, इसलिए बोल दिया, ये इन्होंने इन्हें कहा है तो ये दुरुस्त कर। शेड्यूल्ड कास्ट की जो चौपाले हैं ना जी, चाहे वो वाल्मीकि समाज की हैं, रविदास या समाज की हैं, या दानक समाज की हैं, बहुत बुरी तरह से, तो उनकी रिपेयर जो है रिनोवेशन करवा दी जाए। थैंक यू वेरी मच।